गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल अबाउट अलीशू एंड दिस इज़ मी अलीशा। सो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप लुक एंड बहुत ज़्यादा समर फ्रेंडली मेकअप लुक है। अगर आप कोई भी फ्लोरल ड्रेस वेयर आप इसको वेयर कर सकते हैं किसी भी फ्लोरल ड्रेस के साथ, अगर अदरवाइज आप इसको सूट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज एंड पीच काइंड ऑफ अ लुक क्रिएट किया है एंड समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं अभी समर्स आ गए हैं एंड फ्लोरल ड्रेस सब लोग बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर कोई एक अच्छा सा लुक क्रिएट करूँ। सो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल लुक क्रिएट किया है एंड हैवी नहीं है, बिल्कुल सा सिंपल है एंड कुछ ही प्रोडक्ट्स में आप इसको अचीव कर सकते हैं। एंड कैसे मैंने इसको क्रिएट किया है सो आप लोग देख सकते हैं, फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना होगा। सो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है एंड अगर अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर फ्रॉम हुदा ब्यूटी एंड मैंने पहले ही स्किन केयर कर लिया था, स्किन केयर मैंने दिखाया नहीं है वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। सो मैंने सिंपल स्टेप्स फॉलो किए थे जैसे कि मैं टोनर यूज़ करना चाहिए, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र। सो सनस्क्रीन अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तब, वैसे ये डे मेकअप ही है सो सनस्क्रीन पहले आप यूज़ कर ले। मैंने पहले VLCC की सनस्क्रीन यूज़ कर ली है एंड कभी कभी मैं लैक्मे की भी करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे मैं फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड उसको मैंने अपने फुल फेस पे लगा के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैं पूना स्टोर के ब्लेंडर ब्रशेज यूज़ करती हूँ। अच्छे से मैंने ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए एले गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है ये। एंड यहाँ पे मेरा शेड है फेयर शेड नेम एंड आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है मेरी स्किन टोन के लिए। सो मैं अपनी आईलेट पर लगा रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो हमें अपनी लिड पे आईलिड पे ज़्यादा वाइटनेस या फिर हाईलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो हम सिर्फ अच्छा कवरेज ये रहता है एंड अच्छा जो हम बेस मेकअप करें जो आई मेकअप करें उसके लिए बेस तो ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लाइट कलर का कंसीलर या फिर अपनी स्किन टोन से मिलता जुलता कंसीलर लगाएंगी वो आपको ज़्यादा अच्छा कवरेज देगा, अदरवाइज़ अगर आप कोई लाइट कंसीलर लगाएंगे वो आपको कम कवरेज देगा, ऐसा होता है। सो यू कैन ट्राई इट। इसीलिए मैंने मुझे अच्छा कवरेज चाहिए था अपनी आईज़ पे बिकॉज हम आई मेकअप करेंगे एंड अगर हम लाइट कलर्स भी यूज़ करें सो वो उभर के अच्छे से दिखे इसीलिए। एंड फिटमी के कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से यहाँ पे मैं अपना फुल सेट कर ले रही हूँ फेस को। अब हम बेकिंग भी कर लेंगे एंड बेकिंग के लिए यहाँ पे मैंने जो मेरा पफ था जो मुझे मेबलिन फिटमी के जो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ आया था उसी से मैंने थोड़ा सा उसको मोड़ के उसी के हेल्प से लगा लिया है। अब हम आईब्रोज करेंगे, सो आईब्रो फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था मेबलिन जेल आईलाइनर फ्रॉम मेबलिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप जेल जो ब्राउ पोमेड या फिर आईलाइनर आते हैं जो ब्राउन कलर में होते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिल हो जाती है आपकी आईब्रोज एंड सटल रहती हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए एंड जो हमारे जेल आईलाइनर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफ भी होते हैं। सो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बेकिंग को रिमूव कर देंगे विद अ फ्लफ़ी ब्रश एंड ये पूना स्टोर के ब्रशेस हैं। अब हम एक ब्राउन कलर को लेके अपनी आउटर वी एंड अपनी क्रीज पे ब्लेंड करेंगे एंड मैं किसी से बात कर रही थी इसलिए हंस रही थी। सो
अब हम करेंगे अपनी इनर कॉर्नर्स पे कलर्स लगाएंगे। सो इनर कॉर्नर के लिए यहाँ पे मैंने पीची ऑरेंजी काइंड ऑफ अ कलर लिया है एंड उसको पहले मैंने ब्रश की हेल्प से लगाया है एंड और ज़्यादा मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए था एंड और पिगमेंटेशन चाहिए था सो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से लगाया है। अगर आप फिंगर की हेल्प से लगाएंगे सो आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन मिलेगी एंड आपका जो कलर है वो थोड़ा डार्क लगेगा जैसे अगर आप ब्रश से लगाते हैं उसके बजाय। एंड मैंने अच्छे से फिंगर की हेल्प से लगा के ही उसको ब्लेंड कर लिया है। एंड अब हम अपनी लोअर लैश लाइन के लिए मैंने सेम कलर लिया है विद द सेम ब्रश एंड ये पूना स्टोर का ब्रश नहीं है, इसको मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। सो उसी से मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे पहले अच्छे से मैं स्मज कर लूँगी इसी कलर को एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा लुक है। आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैंने इसको क्रिएट कर लिया था। एंड अब हम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है जो हमने अपनी क्रीज के लिए यूज़ किया था एंड उससे एक शेड डार्कर है उसको मैंने अपने आउटर अपनी लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पे लगाया है। एंड अब हम आईलाइनर लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आईलाइनर एंड लॉन्ग लास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसको मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था एंड उसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास पहले भी था बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये अफोर्डेबल के साथ साथ अच्छा है या नहीं, वाटरप्रूफ है या नहीं, काफ़ी कुछ इसके बारे में सो वो आप लोग ज़रूर देखना है। एंड मैंने अपना आईलाइनर लगा लिया है। अब हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे फ्रॉम मेबलिन की बेबी लिप्स से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये ऑरेंज फ्लेवर में। अब यहाँ पे मैं MN की ट्रू लिप लाइनर्स की हेल्प से अपनी लिप्स को आउटलाइन करूँगी। सो यहाँ पे मैं पोजेस दे रही थी इसको मैं चलो कट नहीं करती हूँ। सो मैं यहाँ पे पोजेस दे रही थी, कुछ फ़ोटो खींच रही थी मैं। सो जो मुझे अपना थंबनेल लगाना होता है या फिर मैं इन लिप लाइनर्स की जो वीडियो बनाऊंगी सो उसके लिए मे बी मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का शेड लेके अपनी आउट लिप्स पे आउटलाइन कर लिया था। अब लिपस्टिक लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड इसका ब्रांड मुझे याद नहीं है सो सॉरी फॉर दैट। आप कोई भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं जो भी आपके पास है, अदरवाइज अगर आप लगाना चाहें तो मैट लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी है मेबलिन की सुपर स्टे जो मैट इंक वाली है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेड्स हैं। ये बुलेट लिपस्टिक थी लेकिन मैट भी थी एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक थी। इसको मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया था एंड इसीलिए मुझे उसका ब्रांड काफ़ी कुछ याद नहीं है। सो अब हम करेंगे काउंटोरिंग विद अ स्मॉल पैकेट एंड ये बहुत ज़्यादा छोटू सा है, क्यूट सा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है एंड दिस इज़ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रांड है शुगर कॉस्मेटिक्स का। एंड मे बी मैं अपने पापा से बात कर रही थी सो इसीलिए। एंड अब नोज काउंटोरिंग करूँगी सेम ब्रश को पिंच करते हुए एंड ब्रश को पिंच करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी नोज काउंटोरिंग हो जाती है एंड इसीलिए मैं कोई और ब्रश यूज़ नहीं करती एंगल ब्रश वगैरह। सो बार बार ब्रशेस चेंज करना थोड़ा सा हेडेक लगता है एंड इसीलिए। सो अब हम करेंगे ब्लश, लगाएंगे ब्लश करते हुए लगाएंगे ब्लश। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज टिंट का ब्लश यूज़ किया था। अब हाइलाइटर लगाएंगे फ्रॉम रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है ये एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। इसको अच्छे से मैंने अपने चीक बोन्स पे, नोज़ पे एंड फोरहेड पे, चिन पे लगा लिया था एंड उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब कर लिया है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे डैब कर लेते हैं तो जो हार्शनेस होती है वो एकदम चली जाती है। अब मस्कारा लगाएंगे एंड ये है मेबलिन ने फेसेस कैनेडा का मस्कारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। मुझे मेबलिन इतना ज़्यादा पसंद है ब्रांड एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ सो मेरे मुंह पे मेबलिन रहता है।
वैसे डेफिनेटली यू कैन चेक एनी प्रोडक्ट फ्रॉम मेबलिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट होते हैं मेबलिन के एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ माई कम्प्लीट मेकअप लुक, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सरल मेकअप लुक है एंड कोई भी इसको आराम से क्रिएट कर सकता है। टीनेजर्स हैं आप या फिर अगर आप मैरिड हैं तो भी कोई भी क्रिएट कर सकता है। सो कैसा लगा आपको वीडियो एंड मेकअप? काफ़ी ज़्यादा ईजी था एंड मैंने उसमें कुछ ही प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे मिल जाएंगे। सो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो बाय बाय, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिए सब।